सो हेलो गाइस, दिस इज़ यशराज साहू। और आज हम जिस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं वो है लैग गार्ड। फाइनली लैग गार्ड का वीडियो है ये। और अभी मैं निकला था मॉर्निंग राइड में, 6:30 हो रहे हैं अभी मॉर्निंग के, और मैं सोचा लैग गार्ड के ऊपर एक वीडियो बना दूँ। तो गाइज़, जो रॉयल इनफील्ड वाले जो लेग गार्ड दे रहे थे और इसमें जो डिफरेंस है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ आज। और मैंने जो उन लोगों का जो लेग गार्ड था, जो ट्रेपेज़ियम टाइप का होता है, वो उसका फ़ोटो मैं आपको साइड स्क्रीन में शो हो रहा होगा। इस टाइप का लेग गार्ड जो है वो लोग देते हैं अपने, मतलब कि 2100 में जो आप एक्स्ट्रा देंगे तो आपको वो लेग गार्ड मिलेगा। वो कोई कोई शोरूम में, जैसे आप बैकवर्ड एरिया के शोरूम में जाएंगे तो आपको वो कंपलसरी करके देते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को उतनी नॉलेज नहीं होती कि नहीं ये एक्स्ट्रा एक्सेसरीज में आता है, इसको आप कंपलसरी नहीं कर सकते। और फिर वहाँ से तो मैंने लेग गार्ड ली है। आप बोलेंगे ये जब लगाना था तो फिर वो क्यों ली? वो मैंने इसलिए ली। एक्चुअली क्या है गाइस, कि नई गाड़ी को अगर आप शोरूम से निकालेंगे और आपके पास लेग गार्ड, एक्चुअली क्या है, लेग गार्ड जो है ये दिल्ली से आई है, और इसको हमारे NCR बाइकर्स, जो आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल NCR बाइकर्स, NCR मोटरसाइकिल्स, उन्होंने ही भेजी है ये। और ये अबाउट आयरन की है ये, और इसका वेट होगा अराउंड 5.5 to 6 kgs, और जो कंपनी मुझे प्रोवाइड कर रही थी वो अराउंड था 4 kgs। तो डिफरेंस उन दोनों लेग गार्ड्स में बहुत ही ज़्यादा था। और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अगर आप देखेंगे तो ये जो लेग गार्ड लगा है ये प्योर MS आयरन का है ये लेग गार्ड, और जो कंपनी देती है वो SS की देती है। और कंपनी बोलेगी 3 साल की वारंटी, तो 3 साल की वारंटी लेग गार्ड टूटने में नहीं होती है, 3 साल की वारंटी उसके उसमें लेग गार्ड में रस्ट लगने की नहीं होती है। रस्ट लगने मतलब रस्ट उसमें नहीं लगेगा, 3 साल इसकी वारंटी आपको कंपनी देती है। ये नहीं देती कि आपकी गाड़ी अगर गिरती है तो ये मुड़ेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं। तो थोड़ा समझदार बनिए और थोड़ा बाहर से लेग गार्ड लेना प्रेफर करें। और जिनको मेरी बात बुरी लगती है तो आप तो ले सकते हैं लेग गार्ड शोरूम से, और आपके साथ कभी ऐसा मत हो एक्सीडेंट। लेकिन अगर आपको आपकी गाड़ी गिरती है हाई स्पीड में तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उस लेग गार्ड में क्वालिटी क्या है और इस लेग गार्ड में क्वालिटी क्या है। मैं बोलूँगा कि ये लेग गार्ड जो आप बाहर से भी ले रहे हैं तो उसको हेवी से हेवी लें। ऐसा नहीं है कि बाहर से ले रहे हैं पैसा बचाने के चक्कर में कोई सा भी लेग गार्ड ले। ये जो लेग गार्ड एयरफ्लाई है सब लोग नाम जानते ही होंगे, 3 रॉड वाली। और जो मेरे पास घर में वो उसको मैं, मतलब कि जैसे ही मैं शोरूम से निकला था और उस टाइम मेरा लेग गार्ड पहुँचा नहीं था, मेरे घर पहुँचने के आधे घंटे के बाद लेग गार्ड तुरंत पहुँच गया। अब फिर मैं सोचा कि 2100 जो मैंने, मतलब 2100 जो इसमें मैंने अपने लगाए थे पुराने लेग गार्ड में, वो पूरे वेस्ट गए। उसको मैंने निकाल के रूम में रख दिया है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये जो लेग गार्ड है मैं इससे पूरा सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा आपके लेग को प्रोटेक्ट करता है। आपको मैं एक बार बैठ के दिखाता हूँ। अगर आप ऐसे बैठेंगे ये आपकी राइडिंग पोस्चर रहेगी इस टाइप की, तो आपका पूरा लेग गार्ड, लेग जो है नीचे का ये गियर से लेके ये पूरा आपका प्रोटेक्ट करता है ये। सो सबसे बड़ा तो एडवांटेज यही है इसमें, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। अराउंड ये लेग गार्ड 6 kgs का है जैसा मैंने कि आपको बताया हुआ है। और तो कुछ नहीं है, अब चलते हैं घर और आपको मैं जो अपनी पुरानी लेग गार्ड है उसके बारे में कुछ डिटेल दूंगा। और हाँ, ये लेग गार्ड जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो O2 सेंसर है उससे टच नहीं हो रही, गाड़ी अभी गर्म है इसलिए मैं छू नहीं रहा हूँ। O2 सेंसर है, आपको गैप दिख रहा होगा, अराउंड 1.5 to 2 inches का गैप है, आपको कैमरे में उतना वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा। पहले जो लेग गार्ड था वो नीचे लगा था यहाँ पर, ये जो आपको पेंट उखड़ा हुआ दिख रहा है, अब लेग गार्ड ऊपर तरफ लगा है, ऊपर की तरफ लगा है, नीचे की फिटिंग्स वही है। और कोई क्वेश्चंस होंगे लेग गार्ड रिगार्डिंग तो वो भी मेरे को आप DM कर सकते हैं और YouTube के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि Instagram का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता ही हूँ। तो चलते हैं घर और मेरे एयरफ्लाई लेग गार्ड को देखते हैं। तो गाइज, मैं घर आ चुका हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये है वो लेग गार्ड जो ट्रेपेज़ियम शेप का है, जो कि रॉयल इनफील्ड हमको प्रोवाइड करती है, कराती है 2100 में ये लेग गार्ड। इसकी जो वेट है अबाउट होगी
3 kg के अराउंड होगी, और जो एयर फ्लाई जो मैंने आपको दिखाया वो अराउंड 5.5 to 6 kg का है। तो और उसमें मतलब कि सेफ्टी देखें, सेफ्टी पर्पज़ से तो वो लुक में भी बढ़िया है, और सेफ्टी पर्पज़ से देखें तो वो भी एयर फ्लाई है और बहुत बढ़िया है। इसकी जो ये है, इसको यू क्या बोल सकते हैं, यूनिट जो भी बोल सकते हैं, ये क्या लगता है, ये जो हमारी चेसिस की वो होती है ना, चेसिस की रॉड होती है जो ऐसे गई होती है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। उसमें यहाँ पर ऐसे लग के इस तरफ से, एक सेकेंड, बीच बीच में इसके रॉड रहता है, और यहाँ से फिर ये नट यहाँ से ऐसे ये कसा जाता है। तो लेग गार्ड एज सच तो रॉयल इनफील्ड जो देती है वो स्टेनलेस स्टील, ठीक है, जंग नहीं लगते, लेकिन उतने हेवी नहीं है कि वो एक्सीडेंट्स जो होंगे आप अगर मान लो तो उसको सफ़र कर पाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ गाइज, ये देखिए पहले जो वाला था वो मतलब कि जो यूनिट मैंने आपको दिखाया वो यहाँ से लगा हुआ था, अब जो लगा है वो ऊपर से लगा है, क्योंकि ये थोड़ा शेप में बड़ा है, तो ये अब जो कि सेंसर से भी नहीं टकरा रहा है। और लेग गार्ड ये वाला जैसे कि मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और सब्सक्राइब करिए चैनल, लाइक करिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और इंस्टाग्राम में DM करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।